दुनिया भर में आज महिलाओं पीरियड्स में भी खुलकर जीती है, उस दौरान भी बाहर जाती है और काम भी करती है। कई महिलाएं तो इस दौरान स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहती है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, तब महिलाएं पीरियड्स के दौरान घर में रहती थी। कई को तो घर में अछूत की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन इन महिलाओं को फ्रीडम मिले सैनिटरी पैड के इन्वेंशन के बाद। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन महिलाओं की आजादी दिलाने वाली खुद भी एक महिला थी। इन पैड को बनाने का क्रेडिट जाता है अमेरिका इन्वेंटर मैरी केनर को। लेकिन दूसरी महिलाओं की जिंदगी सरल करने वाली मैरी को खुद काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। 17 मई 1912 में जन्मी मैरी का पूरा नाम मैरी बीट्राइस डेविडसन केनर था। उनका जन्म नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। मैरी का पूरा परिवार तरह तरह के आविष्कार करने के लिए जाने जाते थे। उनके पिता ने क्लोथिंग प्रेस का निर्माण किया था, वही उनके दादाजी ने ट्रेन के लाइट सिग्नल इन्वेंट किए थे। मैरी ने 1931 में स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन पैसों की कमी के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। मैरी ने पैड का निर्माण किया। इसमें एक बेल्ट लगा था जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन क्या आप जानते कि इसे 30 साल तक किसी ने यूज नहीं किया। इसके कारण थे कि वो दिखने में काली और अफ्रीका मूल की थी। अमेरिकी कंपनी को उनका इन्वेंशन काफी पसंद आया था, लेकिन मात्र उनके काली अर्थात अफ्रीका मूल के होने के वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैरी पूरे मन और तन से अपने काम पे अटल रही। इसके बाद मैरी ने खुद पैसे जोड़े और फिर कुछ सालों में इसे मार्केट में उतारा। इसके बाद तो बिजनेस चल निकला और मैरी का नाम अमर हो गया। बता दें कि मैरी का मुख्य व्यवसाय फूल बेचना था। उनका वाशिंगटन में अपना बिजनेस था जो काफी सक्सेसफुल था। हमारा सभी माँ बहन का जिंदगी संवारने वाली, जिंदगी को आसान बनाने वाली मैरी को मेरा शत शत प्रणाम। दोस्तों, इसी तरह की अनजान रोचक भरी वीडियो पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। दोस्तों, याद रखिए, आपका प्यार ही मेरा मोटिवेशन है।